अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है। आज हम देखेंगे, इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो उसके सारे स्टेप्स देख लेंगे। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के अंदर जिस तरह बाकी साइंसेज में होता है, ठीक है, बिल्कुल इन बायोलॉजी जो नई नई चीज़ें हैं उनको डिस्कवर किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, न्यू थिंग्स आर बींग डिस्कवर्ड। न्यू जो चीज़ें हैं उनको डिस्कवर किया जा रहा है। उसके अलावा जो बहुत पुरानी थ्योरीज़ हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। लॉन्ग हेल्ड जो थ्योरीज़ हैं, मतलब जो बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं और वो प्रूवन है, नो डाउट वो प्रूवन है, ठीक है। लॉन्ग हेल्ड जो थ्योरीज़ हैं उनको क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। मींस कि उनके अंदर मज़ीद चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज़ को मॉडिफाई किया जा रहा है। थर्ड बात क्या है कि जो लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज़ हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको न्यू थ्योरी से रिप्लेस किया जा रहा है, मींस के बेटर वन से, ठीक है। कि हमारे पास अगर हम कोई भी कहते हैं कि ये बात है, तो अगर हमें अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम उस बात को किसी और तरीके से भी ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मीन्स के कलेक्शन ऑफ जो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमारे पास एक्यूमुलेट हो रहा है। इस वजह से जो हम लोग, क्योंकि हमारे पास अब ये, हम तीनों काम क्यों कर रहे हैं, ये तीनों काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास नॉलेज में भी इंक्रीज़ आ गया। नॉलेज में इंक्रीज़ आने की वजह से, ड्यू टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, हम न्यू थिंग्स को डिस्कवर कर रहे हैं। जो बहुत पुरानी थ्योरीज़ हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई, क्योंकि वो पुराने वक्तों के लिहाज से थी। और जो लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज़ हैं उनको न्यू वन से रिप्लेस भी हम कर रहे हैं। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है और नॉलेज हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। तो स्टूडेंट्स, हम ये सब तभी कर सकते हैं जब हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमें उसे सामना हो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से, और हम फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें कि इसका हल क्या है, कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसका हल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट को जो है वो ये फॉलोइंग स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। सबसे पहला क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले पहचानना है कि असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या जो हमें फेस करनी पड़ रही है। सेकेंड में फिर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मींस कि हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि अच्छा, अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है तो कहाँ पर होगी वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किस किस को होगी, कैसे फैलेगी कोई भी बीमारी अगर हम कह लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम हाइपोथेसिस को बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, मींस हाइपोथेसिस बनाएंगे। स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस एक ऐसी बात होती है जो हम कहते हैं कि शायद ऐसा हो, मतलब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की, साइंटिस्ट कहते हैं कि यार मैंने ये ऑब्जर्वेशन की है, ये मुझे मैंने मुशाहिदा किया चीज़ों का, तो शायद ऐसा हो, क्या पता वैसा ही हो। तो हाइपोथेसिस ठीक हो भी सकता है और ठीक नहीं भी हो सकता। तो हाइपोथेसिस जो है वो ऐसी बात होती है जो कोई भी इंसान, स्पेशली बायोलॉजिस्ट, एक शायद वाली बात पर कहते हैं कि शायद ऐसा हो या शायद ऐसा ना हो। उसके बाद आते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस में हम लोग जो है वो चीज़ों को कह देते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, या अगर ऐसा हुआ तो शायद ऐसा हो। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अगर एक जो है वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम करते हैं कि हमने जो जो चीज़ें कलेक्ट की हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ग्रुप होता है लोगों का जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हम कोई जानवर ले लेते हैं, हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई भी हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर हम रिज़ल्ट बनाते हैं, रिज़ल्ट को समराइज़ करते हैं, मीन्स उसकी समरी बनाते हैं, एक पूरा जो है वो उसका एक टेबल बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, जिस चीज़ से भी हम लोगों को हेल्प मिले हम वो बनाएंगे। रिज़ल्ट बनाकर फिर हम उन रिज़ल्ट को रिपोर्ट करते हैं। हम कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, हम कॉलेजेस में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपने रिज़ल्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी जर्नल्स वगैरह में, न्यूज़पेपर में अपने रिज़ल्ट को रिपोर्ट शाया कर सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं, किसी बुक में जो है वो इश्तहार दे सकते हैं कि हमने ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखी थी, उसको हमने ऑब्ज़र्व किया, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमारा ये रिज़ल्ट है। तो इस तरह वो पता है क्या होता है, जो रिज़ल्ट होता है ना वो दुनिया के हर साइंटिस्ट तक पहुँच जाता है, तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट उस पर
मज़ीद जो है वो तहकीक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास मज़ीद ऑथेंटिकेशन आने का और मज़ीद एडवांसमेंट, और अगर किसी के पास कोई और नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज शेयर करेगा। इस तरीके से हमें उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक पक्का जो है वो हमें हल मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहली वो है कि हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टेप में, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि सबसे पहले जो भी हमें बायोलॉजिकल मसला दरपेश है हमने उसकी क्या करनी है, निशानदेही करनी है, हमने उसको पहचानना है कि असल में हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, ज़ाहिर है अगर हमें कुछ पता होगा तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हमें क्या पता कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि बायोलॉजिस्ट तब ही बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं जब उन्हें कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, इनकाउंटर मीन्स के उनको सामना करना पड़े। बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को, ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड को बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं अडॉप्ट करते हैं जब उन्हें इनकाउंटर हो, मीन्स उनको सामना करना पड़े किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि रिलेटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और ये कोई और भी इंसान पूछ सकता है बायोलॉजिस्ट से, या उसके दिमाग में ख़ुद भी ये सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले हमने अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, और हमने इसको फिर कैसे सॉल्व करना है वो हम उसका मेथड देखेंगे। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास होता है वो है ऑब्जर्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानने के बाद जो सबसे पहला स्टेप हम अडॉप्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड में वो क्या है, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात। इसमें स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोगों ने कि अगर तो हमारे पास कोई पहले से ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि हमने पहले कभी इस चीज़ पर रिसर्च की थी, जो अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दोबारा से आई है, हमने पहले कभी उस पर रिसर्च की थी, ठीक है, पहले कभी, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले अपनी कोई पुरानी जो ऑब्जर्वेशन है, प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉल करते हैं कि असल में हमने पहले क्या क्या किया था, याद करो, फिर हमने ये किया था, फिर हमने ये किया था, हाँ हमने ये भी ऑब्जर्व किया था। तो अगर कोई प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है तो हम या तो उसको रिकॉल करेंगे या हम क्या करेंगे कि न्यू ऑब्जर्वेशंस को बनाएंगे। न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं या पुराने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन है क्या, ऑब्जर्वेशन हमेशा फाइव सेंसेस से मिलकर बनती है कि हम लोग कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है कैसी है, तो हमेशा ये फाइव सेंसेस की मदद से हम करते हैं ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले है हमारे पास विजन। अगर किसी साइंटिस्ट के पास देखने की कैपेसिटी नहीं है तो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है कि कोई चीज़ क्या है और कोई चीज़ कैसे है। उसके अलावा हियरिंग की भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास सेंस यूज़ होती है, सारे डिस्कशंस करनी होती हैं कि ये चीज़ ऐसी है ये चीज़ ऐसी है, कोई आवाज़ हमने सुननी पड़ सकती है। उसके अलावा स्मेल, बहुत चीज़ों को स्मेल करके हमें पता चल जाता है कि इसका क्या मसला है। उसके अलावा जो है वो टेस्ट, हमें टेस्ट की जो है वो फीलिंग होनी चाहिए। और फिफ्थ फीलिंग क्या है, फिफ्थ सेंस हमारे पास है टच। तो ये पांचों सेंसेस जो हैं वो इन सेंसेस की मदद से जो है वो ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं।